क्या कर रहे हैं यार तुम लोग, बात कर रहे हो कौन सी पतंग है? धागा ठीक पता नहीं पता नहीं लेकिन ठीक उड़ जाएगी फिर। इसके बाद कर लेते हैं एक बार, मीडिया वाले फ्री हो जाएंगे फिर हम लोग फोटो खिंचाएंगे आराम से। कौन उड़ा रहे हैं? कौन पतंग उड़ा रहा है? सब उड़ा रहे हैं और भी अच्छा है फिर तो। युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 ठाकुर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने अच्छी अच्छी विकास की उड़ान बना रखी है। बहुत लंबा भैया लटके गए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कौन पतंग उड़ा रहा है? सब उड़ा रहे हैं और भी अच्छा है फिर तो। युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 ठाकुर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने अच्छी अच्छी विकास की उड़ान बना रखी है। बहुत लंबा भैया लटके गए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चप्पा चप्पा, हाँ चप्पा, चप्पा चप्पा, हाँ चप्पा, चतुर पांडे, हाँ चप्पा। युवा मोर्चा रहेगा, मोर्चा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जिको जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, 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 भारत माता की, माता की जय। बीजेपी नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं, जिंदाबाद। सर बसंत पंचमी है, आप पतंग उड़ा रहे हैं, इस पे रिएक्शन दे दीजिए। मैं सबसे पहले तो सरस्वती पूजा के अवसर पर और बसंत पंचमी के अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज ये जो कार्यक्रम है बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने का, ये दिखाना है कि विकास की उड़ान मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कैसे उत्तर प्रदेश ने भरी है। ये विकास की उड़ान गरीब को पक्का मकान बनाकर देने की, गरीब को बिजली का कनेक्शन दिलाने की, गरीब को नल से स्वच्छ जल दिलाने की, गरीब को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिलाने की, गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिलाने की, और गरीबों को 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन देने की, ये ही विकास की उड़ान है जो उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक सड़क और सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। इस विकास की उड़ान को और ऊंचा करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश ने विकास की उड़ान यानी कि देश में दूसरा स्थान अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हासिल किया है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाकर दिखाएंगे।